हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड मकर संक्रांति की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स, आज है 15 जनवरी और आज मकर संक्रांति है और आज जो है बच्चे लोगों की छुट्टी है और अभी हम लोग साउथ में हैं तो इधर जो है पोंगल भी मनाया जाएगा। तो आज तो खाना बनेगा नहीं और आज हम लोगों के यहाँ जो है दही चूड़ा और तिलकुट खाया जाता है और केवल सब्जी बनता है, जिस आलू की सब्जी जो है फेमस है। तो अभी जो है आज जो है हम लोग का इंडक्शन का नया चूल्हा आया था, उसका आज का उद्घाटन हो रहा है क्योंकि पुराना वाला जो है वो ख़राब हो गया था, रेडी नहीं कर रहा था। तो अभी नया चूल्हा आया है, उसका आज उद्घाटन हुआ है और भी हम लोग आलू गोभी और मटर की सब्ज़ी बनाएंगे। और इधर पानी हम लोग गर्म होने के लिए चढ़ा दिए हैं कि आज सुबह सुबह 4वीं 12वीं को नहाना है। और इधर हल्का सा ठंडा है, ज़्यादा ठंडा है नहीं। और ये देखिए, ये जो है थोड़ा अलग है पुराने चूल्हे से, इसमें टाइमर वगैरह लगा हुआ है, वो तो नॉर्मल था, टाइमर वगैरह लगा हुआ नहीं था। तो अभी सब्ज़ी मेरा बन गया है, आलू गोभी और मटर की सब्ज़ी जो है तैयार हो गई है। और थोड़ा सा चावल भी हमने बना दिया है क्योंकि 4वीं को चावल पसंद है, चूड़ा खाती नहीं है। और अभी इधर देखिए, चिलबट्टा जो है उसको धोकर साइड कर देते हैं और बर्तन जो बचा हुआ है उसको धोकर साइड कर लेते हैं और 4वीं 12वीं को नहला देते हैं। उसके बाद जो किचन का काम है वो कर लेंगे। सब्जी तो बन गया है और सारी तैयारी हो गई है। तिलकुट वगैरह तो घर इधर मिलता नहीं है, तो तिल का लड्डू वगैरह हम लोग पहले ही बना लिए थे, मुरमुरा का लड्डू, तिल का लड्डू, चिक्की, सब जो है वो पहले ही तैयार हो गया था। तो आज केवल सब्जी बनाना था। तो अभी जो बचा हुआ बर्तन है उसको साफ़ कर लेते हैं और इधर जो है उसके बाद किचन वगैरह की सफाई कर लेते हैं। अभी जो है शैम्पू करना है, आज मकर संक्रांति है तो सबसे पहले बाल में जो है थोड़ा सा दही लगा लेते हैं। दही लगाने से जो है बाल ठीक रहता है, डैंड्रफ वगैरह जो रहता है वो ख़त्म हो जाता है। तो अभी थोड़ा सा दही लगा लेते हैं और इसमें थोड़ा सा नींबू भी डाल दीजिए तो और अच्छा है। तो अभी जो है दही जब लगाते हैं ठंड में तो इसका जो है काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन ठंड में जो है थोड़ा ठंडा रहता है तो थोड़ा कम देर लगाइए। और धूप वगैरह रहता है तो धूप में थोड़ा सा बैठ जाइए। मैं हमेशा जो है दही लगाते रहती हूँ, दही जो है कंडीशनर का काम करता है, वो बाल जो है इससे काफ़ी अच्छा रहता है। तो आप ही दही में थोड़ा सा अंडा भी डाल सकते हैं, थोड़ा सा नींबू डालने से भी अच्छा होता है। और अभी जो है मैंने फेस पैक भी तैयार कर लिया है, दही बेसन और हल्दी का, तो उसको भी लगा लेते हैं। ये तो आप बनाकर फ्रिज में, अगर घर में है तो 3-4 दिन आप आराम से इसको एक बार बना लीजिए और लगा सकते हैं। ये भी जो है काफ़ी अच्छा है, स्किन जब सर्दी में जो है ड्राई हो जाता है तो उसको मतलब तो उसमें जो है काफ़ी फ़ायदा पहुंचाता है। कितना भी क्रीम वगैरह लगाइए लेकिन स्किन जो है सर्दी में ड्राई लगता है, लेकिन दही बेसन जब आप यूज़ करते हैं तो उससे जो है स्किन थोड़ा सा जो है ड्राइनेस जो है स्किन का ख़त्म हो जाता है और स्किन के लिए काफ़ी अच्छा भी होता है। तो आप भी इसको लगा सकते हैं फेस पैक और सर्दी में 1 दिन बना लीजिए और 2-3 दिन आप आराम से यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से नहाने से पहले 10 मिनट पहले लगा लीजिए, उसको 10 मिनट का में जो भी काम करना है आपको अपने घर का उसको कर सकते हैं। और इसको जब एकदम ड्राई हो जाता है तो आप गुनगुने पानी से धो सकते हैं या फिर नॉर्मल वाटर से भी धो सकते हैं। अभी ये देखिए मेरा सब्जी जो है वो बनकर तैयार हो रहा है और इसमें आलू गोभी मटर है और धनिया पत्ता हम लोग डालेंगे थोड़ा सा, और अभी कसूरी मेथी है नहीं तो वो डालेंगे नहीं। तो इस तरह से हम जब मकर संक्रांति होती है तो केवल हम लोगों के घर पे सब्जी ही बनता है, कभी आलू दम बनता है। तो अभी यहाँ पे हम आलू और फूल गोभी की सब्ज़ी और मटर की सब्ज़ी बनाए हैं। इसे सब्ज़ी जो है मतलब सर्दियों में काफ़ी पसंद किया जाता है, आलू गोभी और मटर की सब्ज़ी। तो यही सब्ज़ी जो है हमेशा से हम लोगों के यहाँ बनता है, मकर संक्रांति के स्पेशल सब्जी जो है आलू गोभी और मटर की सब्ज़ी या फिर आलू दम होता है। तो आलू गोभी मटर की सब्ज़ी तैयार हो गई है और चूँकि आज पोंगल है तो देखिए इधर जो है काफ़ी जो है बनाया जाता है सारे दरवाजे के ऊपर। ये रंगोली, पोंगल का स्पेशल रंगोली जो है बनकर तो तैयार है नीचे। और अभी जो है मेरा नहाना हो गया है, अभी भगवान की पूजा कर लेते हैं और भगवान को भी तिल गुड़ जो है वो चढ़ा देते हैं। तो भी हम लोग चढ़ा दिए हैं। और देखिए आज जो है पतंग भी उड़ाया जाता है मकर संक्रांति के दिन, तो 4वीं देखिए पतंग बना रही है। इधर पतंग मिलता नहीं है, हम लोगों की तरफ तो मार्केट में पतंग आराम से मिल जाता है लेकिन इधर मिलता नहीं है। तो 4वीं को न्यूज़पेपर से पतंग जो है बना कर दे देते हैं और ये उड़ाएगी। हम लोग के यहाँ पतंग जो है हर कोई उड़ाता है अभी सर्दी के मौसम में, लेकिन इधर मिलता नहीं है। तो देखिए किसी तरह से 4वीं के लिए पतंग बना देते हैं। झाड़ू का जो सीख वाला झाड़ू है उसका तोड़ लिए हैं, न्यूज़पेपर ले लिए हैं और धागा तो रहता है उसी से बना दे रहे हैं। और जो पतंग उड़ाने वाला जो लटेंट रहता है जिसे हम लोग बोलते हैं
वो 3-4 साल से घर पे रखा हुआ है, तो जब भी चार भी को यूज करना रहता है उसको यूज करती है, फिर उसको रख देती है। तो देखिए फ्रेंड्स, पतंग भी तैयार हो गया है और अभी चारवी बारवी को जो है दे देते हैं, जाके छत पे उड़ाएगी। और तब तक अभी हम लोग खाना खाए नहीं है, तो खाना खा लेते हैं। और खाना में तो सब्जी बना है और चूड़ा दही आज खाएंगे। तो दही तो पहले एक दिन जमा लिए थे, देखिए मटका में नहीं, मटका वाला दही तो काफ़ी टेस्टी होता है। तो हम लोग अभी जो है छोटा सा बर्तन मिट्टी का है उसी में जमाते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग दही ले गए, और उसके बाद सब्जी, उसके बाद चूड़ा, गुड़ और तिलकुट तो है नहीं, तो तिल का जो बना हुआ सामान है उसी को यूज करेंगे। ये देखिए प्लेट मेरा लगकर तैयार हो गया है, और दही निकाल लेते हैं। दूध को भी हम लोग गर्म कर लिए हैं, तो आज हम लोग खाएंगे दही, चूड़ा, तिलवा, तिलकुट जो भी रहता है उसे ही आज हम लोग खाते हैं। एक टाइम तो यही खाते हैं, फिर जब भूख लगता है तो दूसरा टाइम लोग सब्जी, चावल जो बचा हुआ सब्जी रहता है उसी को यूज करते हैं। तो अभी जा रहे हैं दही चूड़ा खाने के लिए, और दही चूड़ा खाकर तैयार हो गए हैं। और अभी बाल बाल झाड़कर चारवी वारवी गई है छत पे पतंग उड़ाने के लिए। तो देखते हैं जाकर कहाँ पे पतंग उड़ा रही है, और उसको थोड़ा हेल्प कर देते हैं पतंग उड़ाने में, क्योंकि उड़ा नहीं पाती है, उन लोग को भी थोड़ा आइडिया नहीं है उड़ाने का। तो दोस्तों अभी चलते हैं पतंग उड़ाने के लिए। तो आप भी अपने घर पर पतंग ज़रूर उड़ाइए, मकर संक्रांति पर जो है शुभ माना जाता है। और उसके पहले जो थोड़ा सा बर्तन बचा हुआ है उसको भी साफ़ कर लेते हैं, और बर्तन वगैरह साफ़ हो गया है। तो अभी जाते हैं छत पे, देखिए आ गए हैं, और बारबी भी मेरे साथ आ गई है और पतंग जो है उड़ा रही है। बारबी को पतंग उड़ाने का शौक़ है, और इधर जो है हवा बहुत ज़्यादा तेज़ चलती है, और सर्दी इधर तो है नहीं। और देखिए पतंग थोड़ा थोड़ा उड़ रहा है, चारवी से उड़ नहीं रहा था, देखिए उड़ रहा है पतंग थोड़ा थोड़ा। तो इस तरह से आप भी अपने बच्चों के लिए पतंग बना सकते हैं घर पर और उड़ा सकते हैं। चारवी तो काफ़ी खुश है, देखिए। गया, देखो देखो गया। पकड़े रहो। खींचते रहो धागा, वैसे छोड़ोगे तो उड़ाओ, जल्दी जल्दी उड़ाओ। जिधर हवा है उधर नहीं उड़ाओ। लेकिन आलू तो पक्का है। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड हैप्पी मकर संक्रांति।